हेलो एवरीवन, आज हम कक्षा 4 विषय हिंदी में लेसन 7 सीखेंगे दीपावली। पहले देखेंगे शब्दार्थ। दीपावली एटले दिवाली, शब एटले बधा, पटाखे एटले फटाकड़ा, रोशनी एटले प्रकाश, त्योहार एटले त्योहार। यहाँ पे 3 चित्र है, वो किसके है? दीपावली के त्योहार के। पहले चित्र में रंगोली बनाई जा रही है, दूसरे चित्र में पटाखे फोड़ रहे हैं बच्चे, और तीसरे पिक्चर में दिए जल रहे हैं और घर सजाया गया है। तो हम देखेंगे, आज दीपावली है, आज दिवाली छे, सब लोग बहुत खुश है, बधा लोगो बहुत खुश छे, सबने नए कपड़े पहने हैं, बधाए नवा कपड़ा पहनिया छे, सबके दरवाजे पर तोरण बंधे है, बधाना घर ना दरवाजा ऊपर तोरण बांधेला छे, सबके घर पर साफ सुथरे है, बधाना घर स्वच्छ छे, चोखा छे, बच्चे पटाखे फोड़ रहे हैं, बालको फटाकड़ा फोड़े छे, सब जगह रोशनी ही रोशनी है, बधी जगह प्रकाश छे। दीपावली त्योहारों की रानी है, दिवाली छे ए त्योहारों की रानी छे। इस दिन धन की देवी लक्ष्मी जी की पूजा होती है, ए दिवसे धन की देवी माँ लक्ष्मी जी की पूजा थाई छे। दीपावली को दिवाली भी कहते हैं, दीपावली को दिवाली पण कहेवामां आवे छे। दीपावली हर साल अश्विन मास में आती है, दिवाली छे ते हर वर्षे आसो महीना में आवे छे। स्वाध्याय। निम्नलिखित हिंदी नाम के पास गुजराती नाम लिखिए। दीपावली, दीपावली एटले दिवाली, सब एटले बधा, दरवाजा एटले दरवाजो, तोरण एटले तोरण, पटाखे एटले फटाकड़ा, त्योहार एटले तहेवार। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आज सब लोग क्यों बहुत खुश है? आज सब लोग खुश है क्योंकि दीपावली है। दूसरा प्रश्न, दीपावली के दिन लोग कैसे कपड़े पहनते हैं? दीपावली के दिन नए कपड़े पहनते हैं। तीसरा प्रश्न, दीपावली के दिन किसकी पूजा होती है? दीपावली के दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी जी की पूजा होती है। क्वेश्चन 3, कोष्टक से सही विकल्प चुनकर खाली जगह भरिए। यहाँ पे कई ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से चुनकर खाली जगह भरनी है। लोग दीपावली के दिन दरवाजों पर क्या लगाते हैं? तोरण बांधते हैं। दीपावली पर बच्चे खाली जगह फोड़ते हैं, क्या फोड़ते हैं? पटाखे। सब जगह खाली जगह ही खाली जगह है, मतलब सब जगह रोशनी ही रोशनी है। दीपावली खाली जगह की रानी है, दीपावली त्योहारों की रानी है, दीपावली हर साल खाली जगह मास में आती है, दीपावली हर साल आश्विन मास में आती है। प्रश्न 4, चित्र देखकर उसके नीचे त्योहारों का नाम कोष्टक से चुनकर लिखिए। मतलब यहाँ पे 6 चित्र दिए गए हैं, उस चित्र को देखकर हमें वो कौन से त्योहारों का चित्र है वो लिखना है। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, नवरात्रि, ईद, जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, क्रिसमस और होली। तो पहला चित्र किसका है? रक्षाबंधन का। दूसरा चित्र होली का। तीसरा ईद का। चौथा चित्र है जन्माष्टमी का। पांचवा चित्र है नवरात्रि का। और छठा चित्र है क्रिसमस का।